सहारा इंडिया के ऑफिस में जमकर हंगामा, रीजनल मैनेजर से मारपीट। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी सहारा निवेशक साथियों का हमारे स्टी न्यूज़ चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, इस वक्त सहारा निवेशकों में अपने पैसे को लेकर बहुत परेशानियाँ और टेंशन बनी हुई है। तो इसी को लेकर एक बड़ी न्यूज़ इस टाइम हमारे पास बिहार शरीफ से आई हुई है। दोस्तों, न्यूज़ है कि सारा इंडिया में निवेशकों की गाढ़ी कमाई अटक जाने से धीरे धीरे निवेशकों में उबाल बढ़ने लगा है। अपने जमा धन प्राप्त करने के लिए गुरुवार को दर्जनों महिलाओं ने लहरी थाना में रांची रोड स्थित शाखा पहुंचकर जमकर हंगामा किया। मामला हाथापाई तक पहुंच गया। रीजनल मैनेजर ने मारपीट तक कर दी गई। या दोस्तों, रीजनल मैनेजर से मारपीट तक कर दी गई। बाद में कार्यालय के अन्य कर्मचारियों के आक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। इस मामले में एक महिला भी घायल हुई है। कई महिलाओं ने आरोप लगाया कि उनके जमा धन की मियाद पूरी होने के बावजूद वापस नहीं दिया जा रहा है पैसा। कई बार चक्कर लगाने के बाद भी अधिकारी टाल मटोल कर रहे हैं। अब ऐसे में नए निवेशकों के सामने बेटी की शादी या दोस्तों अब ऐसे में कई निवेशकों के सामने बेटी की शादी की भी चिंता सता रही है। महिलाओं ने कहा कि एक एक रुपया जोड़कर उन्होंने खून पसीने की कमाई सहारा इंडिया में जमा कराई थी, भविष्य सुरक्षित कर सके। इस महिला ने बताया कि उनका लाखों रुपया अटका हुआ है। कई महिलाओं से चक्कर लगा रही महीनों से चक्कर लगा रही लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। अब हम लोग कहाँ जाएं। इस रीजनल मैनेजर सतीश प्रसाद ने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, हमारे हाथ में कुछ रहता तो ज़रूर करते। ऐसे में हंगामा और मारपीट करना गलत है। हालांकि हंगामे में मारपीट की शिकायत थाने में दर्ज नहीं कराई गई है। दोस्तों, ये बड़ी न्यूज़ आपको स्टी न्यूज़ चैनल से दी जा रही है। खबर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।